दस्तगीर और आप देख रहे हैं टीएसएन न्यूज हैदराबाद। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट एसओटी एलबी नगर सीसीएस टीम ने जॉइंट ऑपरेशन करके एटीएम में कैश डिपॉजिट करने लाए कैश बैग्स को लेकर फरार होने वाली गैंग को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के रहने वाले चार लोग के पास से 4,10,000 रुपये कैश, टाटा इंडिका कार, 15 किलो गांजा, 6 मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया गया। इसकी कीमत करीबन 7.7 लाख बताई जा रही है। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर श्री महेश भगवत ने मीडिया को तफसीलात बताया। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। संतोष कुमार चंद्रशेखर रेड्डी प्रसाद रेड्डी प्रवीण कुमार राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के एसओटी टीम ने मई महीने में जो वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में एटीएम का अटेंशन डाइवर्जन से कैश थेफ्ट करने का केस जो हुआ था उस केस का पर्दाफाश किया है। इस केस में हम लोगों ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के रामजी नगर के चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस गैंग का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है प्रतिभान दीपक। दीपक के साथ में थंगराज सत्यराज, योगराज और सुरेश, चार लोगों को हमने अभी अरेस्ट करके उनके पास से एक 4,10,000 रुपये कैश, टाटा इंडिका कार, 15 किलोग्राम गांजा और 6 मोबाइल फ़ोन, ये पूरा 7,70,000 वर्थ प्रॉपर्टी है। ये लोग दोबारा यही तरीके की हरकतें करने के लिए यहाँ पे आए थे। वनस्थलीपुरम के ऑटो नगर एरिया में आज सुबह ही हम लोगों के इन्फॉर्मर के इन्फॉर्मेशन पे हमने व्हीकल इंटरसेप्ट करते हुए इन लोगों को जब हमने इनकी पूछताछ की, इनका गाड़ी का सर्च किया तो ये माल हमें बरामद हुआ है। ये जो गैंग है रामजी नगर का, ये टोटल 14 लोगों का गैंग यहाँ पे 7 मई को वनस्थलीपुरम पनामा के पास में जो एटीएम है वो एटीएम के पास में वो लोग आए। उससे पहले भी उन्होंने उसकी रेकी की होगी। जब कैश लोड करने के लिए वहाँ पे व्हीकल पहुँच गया तब ड्राइवर का और सिक्योरिटी गार्ड का अटेंशन डाइवर्शन करते हुए इन लोगों ने गाड़ी में जो कैश का बक्सा रखा था उस बक्से को उठाते हुए ऑटो रिक्शा में ये लोग वहाँ से भाग गए और बाद में ये लोग दोबारा वहाँ तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु रामजी नगर एरिया में जाके वहाँ से फिर फरार हो गए। तकरीबन 3 महीने से 3-4 बार हमारी टीम उस एरिया में जाके इनके बारे में काफ़ी हमारे टीम ने छानबीन किया। इस काम को अंजाम देने वाले हमारे एसओटी के इंस्पेक्टर रवि कुमार, सीसीएस इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, डीआई वनस्थलीपुरम और जो जो हमारे बाकी लोग हैं एसओटी सीसीएस और वनस्थलीपुरम पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के, इन सब लोगों को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा है। ये जो लोग हैं ये लोगों ने केवल तेलंगाना में ही नहीं तो तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटक और दिल्ली स्टेट, काफ़ी स्टेट में इन लोगों ने इस तरह के ऑफेंसेस किए हैं। लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है कि जब भी आप कुछ बैंक से कैश निकालते हो या कोई ऑफिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे हो तो जहाँ जहाँ पे आपके पास में कैश है उस समय पे आपका पैसा गिर गया है करके या फिर आपके